मैं पूछना चाहता हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश, 2006 में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी गाजीपुर जनपद में, और गाजीपुर जनपद के साथ के उस हत्याकांड में कृष्णानंद राय के साथ मरने वाले लोग कौन थे? उनके साथ, उनकी सुरक्षा के साथ जुड़े हुए जो लोग थे उनमें एक रमेश पटेल थे, क्या ये ओबीसी समाज से नहीं थे क्या? इनके साथ एक रमेश यादव भी थे, क्या वे ओबीसी समाज से नहीं थे क्या? ऐसे ही तमाम अन्य लोग थे, कोई सम यादव भी थे, क्या ओबीसी समाज से नहीं थे क्या? यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए तो इसका मतलब उन्हें आप ओबीसी में नहीं गिनेंगे? मैं पूछना चाहता हूं, राजूपाल की हत्या प्रयागराज में जिस माफिया ने की थी, क्या ये राजूपाल ओबीसी समाज से नहीं थे क्या? उमेश पाल, क्या ये ओबीसी समाज से नहीं थे क्या? फिर इन माफियाओं को गले से लगाने वाले लोग कौन थे? और समाजवादी पार्टी के लोग इन माफियाओं को गले से लगा करके प्रदेश में अराजकता और गुंडागिर्दी और दंगों की आग में प्रदेश के को झोंकने का कार्य जो की थी, उस समय ये पीडीए के लोग कहां थे? ये पीडीए का नारा लगाने वाले लोग उस समय कहां चले गए थे? और इसीलिए प्रश्न खड़ा होता है, जिन लोगों ने ओबीसी समाज और प्रदेश के युवाओं की नौकरियों में डकैती डाली थी, जिन लोगों ने यहां के रोजगार पर डकैती डालने का काम किया था, जिन्होंने प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, और जो लोग उत्तर प्रदेश जैसे अनलिमिटेड पोटेंशियल के प्रदेश को अराजकता की भट्टी में झोंकने के लिए जिम्मेदार थे, बहनों और भाइयों, वे लोग आज आपसी फूट डालो और राज करो की अपनी नीति के तहत लगातार अपने दुष्प्रचार तंत्र के माध्यम से समाज को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं।